जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय सेना ने दिखाई ताकत। रेत के खुबार के बीच में आग उगलते नजर आए टैंक। भारत निर्मित हथियारों का दम देखने के लिए मौजूद थे ब्राजील के कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइनो रिबेरो। रिबेरो भारत के हथियारों की क्षमता देखकर चकित रह गए। सैन्य ड्रिल में देश में बने सारथ बीएमपी गन टैंक का भी सेना ने सफल परीक्षण किया। एएलएच हेलीकॉप्टर धूप से दागी गई मिसाइलें, दुश्मन के ठिकानों को किया गया ध्वस्त। इस पूरी ड्रिल का मकसद संयुक्त हथियार फायरिंग की नुमाइश करना था और इसका लक्ष्य एक ऐसी युद्ध एक्सरसाइज जिसमें दुश्मन के पास बचने का कोई मौका ना। मुंबई में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। 28 दलों के 63 नेता मीटिंग में लेंगे हिस्सा। आज और कल दो दिन तक चलने वाली है बैठक। बैठक में विपक्ष तय करेगा इंडिया का चुनाव चिन्ह। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पोस्टर वॉर। कांग्रेस और आप के दिखे अलग अलग पोस्टर्स। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से ठीक पहले सामने आए पीएम पद के 5 दावेदार। उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल के सब लोगों के अपने अपने दावे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बोले कि हमारे पास पीएम पद के बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन बीजेपी के पास केवल प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई पहुंची ममता बनर्जी। शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। इंडिया की बैठक के लिए मुंबई पहुंची ममता बनर्जी को रिसीव करने के लिए आदित्य ठाकरे पहुंचे। शिवसेना यूपीटी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ममता का स्वागत किया। मुंबई उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए मातोश्री पहुंची ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के सीएम ने शिवसेना सुप्रीमो को राखी बांधी। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बयान, कहा कि लोकसभा चुनाव में खेला होगा, बहुत सारी सीटें आएंगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार का मोदी सरकार पर साझा प्रहार, कहा कि इंडिया गठबंधन के दबाव में घटाने पड़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, एनडीए और इंडिया दोनों में से किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती पर बरसी कांग्रेस, कहा कि दलित नहीं दौलत की बेटी है मायावती। मायावती के स्वागत में रामदास अठावले बोले कि अगर एनडीए में मायावती आती है तो स्वागत है। थाने के डोंबीवली में मंत्री रविंद्र चौहान को राखी बांधने पहुंची महिलाएं। मंत्री ने बहनों को दी सुरक्षा की गारंटी। अकाली दल ने भी इंडिया गठबंधन से बनाई दूरी, स्वतंत्र चुनाव लड़ने का ऐलान। मुंबई में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अमिताभ बच्चन को बांधी राखी। बिग बी के लिए भारत रत्न की मांग। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे सीपीआई नेता डी राजा, बोले सभी का मकसद एक, बीजेपी को हराना। शिवसेना के मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, लिखा कि मोदी सरकार ने विपक्ष को रोकने के लिए सभी हेलीकॉप्टर्स की एडवांस बुकिंग कर ली। इंडिया गठबंधन को मिला सिविल सोसाइटी का समर्थन। मुंबई में समर्थ संकल्प सभा का आयोजन, राकेश टिकैत समेत कई लोग पहुंचे। अमरावती सांसद नवनीत राणा ने अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों को बांधी राखी। जवानों के लिए मांगी लंबी उम्र की कामना। बीजेपी ने राहुल प्रियंका पर ट्वीट किया, कांग्रेस में राहुल प्रियंका में छिड़ी है वर्चस्व की जंग, मां ने पकड़ा बेटे का हाथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बीजेपी के ट्वीट पर पलटवार, लिखा कि बीजेपी वालों महंगाई और बेरोजगारी के दौर में यही बकवास मुद्दा बचा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी वालों घबराओ मत, आपके झूठ लूट और खोखले प्रचार के अहंकार को हम दोनों भाई बहन देश में करोड़ों भाई बहनों के साथ मिलकर तोड़ें। शिवसेना के मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर आरोप, मोदी सरकार ने प्राइवेट छोटे और सभी हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग की है। सामना में आरोप, विपक्षी दलों को प्रचार से रोकने के लिए अभी से हेलीकॉप्टर्स की एडवांस बुकिंग कर रही है सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने न्यायपालिका में भयंकर भ्रष्टाचार बताया, कहा कि सुना है कि वकील लिखकर जाते हैं फैसला, देश को अब सोचने की जरूरत। चीन के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वीतो का दावा, दूसरों की जमीन को अपना बता रहे हैं। राहुल गांधी का चीन के मैप को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला, कहा कि चीन लगातार हड़प रहा है हमारी जमीन। बोले कि लद्दाख के लोगों ने भी मुझसे शिकायत की, पीएम दे जवाब। कनाडा के दौरे पर राहुल गांधी मैसूरू के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में जनसभा। कर्नाटक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में सरकार ने लॉन्च की गृहलक्ष्मी स्कीम। चुनावों में कांग्रेस ने किए थे 5 बार। गृहलक्ष्मी योजना के लिए 1,10,00,000 महिलाओं ने करवाया है रजिस्ट्रेशन। परिवार की महिला प्रमुख को मिलेंगे हर महीने 2,000 रुपए। कावेरी जल विवाद पर सियासत, कांग्रेस विधायक रवि कुमार ने कहा कि हर कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता पानी, किसानों ने मुझे दिया है वोट। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को बड़ी राहत, रद्द हुआ लोकसभा से निलंबन, संसद की विशेषाधिकार समिति ने दी मंजूरी।
बिहार में हिंदू पर्व पर छुट्टी में कटौती पर गरजे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। अश्विनी चौबे कहा कि शरिया कानून लागू ना हो जाए, जेडीयू ने याद दिलाया नियम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप कि बिहार सरकार में शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत तेज, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश। नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हो सकते हैं इसके तार। अर्जुन टैंक के दहाड़ से थर्राया पाकिस्तान, पोखरण में आकाश मिसाइल ने सैन्य ड्रिल में दुश्मन के ठिकानों को किया ध्वस्त, ब्राजील के आर्मी चीफ ने देखी भारतीय सेना की ताकत। इसरो के आदित्य एल1 मिशन का लॉन्च रिहर्सल पूरा, 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च, सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला मिशन। लागू हो गए सिलेंडर के कम हुए दाम, 75 लाख नए कनेक्शंस देने की तैयारी, उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त में मिलेंगे कनेक्शंस। दिल में स्कूली बच्चों ने मनाया राखी का त्यौहार, प्रधानमंत्री मोदी को बांधी राखी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से बंधवाई राखी, कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों के साथ मनाया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, बंधवाई राखी। सुल्तानपुर रवाना होने से पहले सांसद मेनका गांधी पहुंची आरएसएस मुख्यालय, भवन प्रचारकों को राखी बांधी। अमरावती सांसद नवनीत राणा ने अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों को बांधी राखी, उनकी लंबी उम्र की कामना की। वाराणसी में पेड़ को राखी बांधकर मुस्लिम महिलाओं ने मनाया रक्षाबंधन, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। मनसा में सिद्ध मूसेवाला के पिता उनके स्मारक के पास में जाकर भावुक हुए, तो वहीं उनकी बहनों ने उनकी कलाई पर सजाए रखी। फतेहपुर में बहन ने शहीद सिद्ध मूसेवाला को उनकी प्रतिमा पर राखी बांधी और भाई को याद कर बहन दुर्गा देवी की आंखें नम। सुकमा नक्सलगढ़ में तैनात जवानों को राखी बांधने पहुंची महिलाएं एवं नवोदय विद्यालय के बच्चे, सीआरपीएफ जवान बोले हम लोग खुश। जम्मू कश्मीर के उरी में स्थानीय लोगों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया, सेना के जवानों को बांधी गई राखी। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में रक्षाबंधन और उपनयन संस्कार में मनाया गया, सैकड़ों महिलाओं ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बांधी राखी। आज देश में भी मनाया जा रहा है राखी का त्यौहार, सबसे पहले महाकाल को बांधी गई राखी। भस्म आरती के बाद महाकाल को का मोहक श्रृंगार हुआ, 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। हरियाली गुरु ने मनाया अपने अपने तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार, पेड़ों को राखी बांधकर सुरक्षा का संकल्प लिया। यूपी में रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए 48 घंटे मुफ्त सेवा, रक्षाबंधन के मौके पर खास सैलाब। हापुड़ में हुई घटना को लेकर झांसी के वकीलों का रोष, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी बार काउंसिल ने हापुड़ की घटना पर सीएम योगी को लिखा खत, बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे ने पूछा आरोपियों पर कब सरकार चलवाएगी बुलडोजर। गया में एक सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास के टीवी पर चला अश्लील भोजपुरी गाना, छात्रों का डांस करने का वीडियो वायरल। कौशाम्बी में गंगा नदी में नहाने गए दो लड़कों की गहरे पानी में डूबने से मौत, तलाश जारी, घर में छाया माता। ट्रेन में गंभीर स्थिति में मिली महिला हेड कांस्टेबल, ट्रेन से उतारकर लखनऊ किया गया रेफर, सुल्तानपुर में थी तैनात। बिहार के मोतिहारी में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में, गांव के लोग बांध बचाने की कोशिश में जुटे। बिहार के भागलपुर में कोसी का कहर, नदी की कटान के चलते कई घर गिरे। मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी घरों में घुसा, हजारों लोग बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गोंडा का सीएम योगी ने किया दौरा, लोगों में राहत सामग्री बांटी गई। बाराबंकी में बोले मुख्यमंत्री योगी, सीएम ने कहा कि बाढ़ आपदा अगर 15 दिन से ज्यादा है तो बाढ़ पीड़ितों को 2 बार राशन किट दी जाए। भजनपुर में मामा भांजे को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, भांजे की दर्दनाक मौत, घटना का वीडियो सामने आया। बरेली के मेडिकल कॉलेज में मॉर्चरी में खुद चल रही सीढ़ी, एक वायरल हो रहा वीडियो।